कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। चलिए स्टडी का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम लोगों ने देखा था आर्द्रता के बारे में, नमी, वायुमंडल में नमी के बारे में हम लोगों ने देखा था। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो वायुमंडल में नमी होती है उसके कारण से बहुत सारी मौसमी एक्टिविटीज होती हैं। और क्षोभ मंडल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, मौसम संबंधी जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो सारी किस्में होती हैं हमारे क्षोभ मंडल में होती हैं, ठीक है। और क्षोभ मंडल का विस्तार आप लोगों को पता ही है कि भूमध्य रेखा पर लगभग करीब 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक और ध्रुव की तरफ जाएंगे तो लगभग 8 किलोमीटर तक की ऊंचाई का जो रीजन होता है वो हिस्सा हमारा, यानी कि जो ऊर्ध्वाधर क्लासिफिकेशन हमारा वायुमंडल का किया गया है उसका सबसे जो निचला वाला है बेस है उस वाले बेस में ही मौसम संबंधी एक्टिविटीज होती है। जलवाष्प भी उसी में जाता है और वहीं से ही सारी चीजें होती हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक है इसी से रिलेटेड बादलों के बारे में, और फिर बादलों में देखेंगे कौन से बादल ज्यादा पानी बरसाते हैं, कौन से बादल पानी नहीं बरसाते हैं, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे और इसके बाद हम लोग वर्षा का देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस रूप में क्लासिफिकेशन किया गया है वर्षा का, और वर्षा को मतलब बादलों का यहाँ पे बादल कितने क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया गया है। तो एक तो आप जान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका वर्गीकरण किया गया है, और वर्गीकरण का जो आधार बनाया गया है वो दो आधार बनाए गए हैं। एक तो धरातल से ऊंचाई के आधार पर, और दूसरा किस प्रवृत्ति का बादल है, यानी उसका स्वरूप क्या है बादल, ये दो क्लासिफिकेशन किए गए। और इन्हीं क्लासिफिकेशन के आधार पर WMO ने, यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने, कुछ 10 प्रकार के बादलों का वर्गीकरण किया है। आज हम लोग उसको देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं देखना, पहले स्वरूप धरातल से ऊंचाई के आधार पर बादलों को देखते हैं। तो ऊंचाई के आधार पर अगर देखेंगे तो तीन तरह के बादलों के बारे में है, और चौथा बादल आपका ऊर्ध्वाधर क्लासिफिकेशन, यानी कि चार प्रकार के धरातल से ऊंचाई के आधार पर बादल है, और स्वरूप के आधार पर भी देखेंगे तो चार प्रकार के, ठीक है। कौन कौन से स्वरूप है? एक तो धरातल से निम्न ऊंचाई के बादल है, यानी कि धरातल से लगभग 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो बादल पाए जाते हैं वो बादल निम्न बादल की श्रेणी में आएंगे, है ना, जो क्लासिफिकेशन है। फिर इसके बाद में 2 से 6 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जो बादल पाए जाएंगे वो आपके मध्य बादल की श्रेणी में आएंगे, मेघ की श्रेणी में आएंगे, और 6 किलोमीटर से लगभग 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक के जो बादल पाए जाएंगे वो उच्च मेघ की श्रेणी में आएंगे, ठीक है। और तीसरा चौथा क्लासिफिकेशन इसका जो होगा वह ऊर्ध्वाधर क्लासिफिकेशन होगा, यानी कि धरातल से लेकर लगभग 18 किलोमीटर 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक उसको 200 में बांट देंगे, वो उसके आधार पर कर लिया जाएगा। तो देखते हैं इसको, धरातल की ऊंचाई के आधार पर जो बादलों का जो स्वरूप है उच्चम वो चार प्रकार का, एक तो होगा उच्च मेघ। उच्च मेघ की जो ऊंचाई होगी बेटा वो लगभग करीब में आपका धरातल से आप देखेंगे तो 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक का जो बादल पाए जाएंगे वो आपके उच्च मेघ की श्रेणी में आएंगे। और इसके बाद आपका दूसरा होगा मध्य मेघ। मध्य मेघ जो आपका मिलेगा इसके बाद के सीक्वेंस में चलेगा, यानी 2 से लेकर के 6 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर जो बादल पाए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, मध्य मेघ की श्रेणी में आएंगे। हम लोग पढ़ के आ रहे हैं धरातल से ऊंचाई के आधार पर, ठीक है। और तीसरे होंगे हमारे बेटा निम्न मेघ। ये हमारा जो होगा ये धरातल से हमारा लगभग 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाएगा, ठीक है, धरातल से 2 किलोमीटर। और चौथा क्लासिफिकेशन होगा ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के आधार पर क्लासिफिकेशन का किया गया है, दो प्रकार का होता है, आगे हम लोग अभी देखेंगे इसको। तो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के आधार या ऊर्ध्वाधर आधार पर कह सकते हैं इसको, तो ये चार प्रकार के होंगे धरातल से ऊंचाई के आधार पर। और इसके बाद स्वरूप के आधार पर देखेंगे तो चार तरह के, एक तो पच्छाव होगा और दूसरा पच्छाव मेघ होगा, दूसरा आपका अस्तरी मेघ होगा, तीसरा आपका कपासी मेघ होगा, और चौथा आपका वर्षा मेघ होगा, ठीक है। तो चार प्रकार के मेघ इसमें हम लोग देखेंगे। पहला होगा आपका पच्छाव मेघ, ये ध्यान रखिएगा ये मेघ आपको पहले मिल जाए सबसे ज्यादा ऊंचाई पर वाला मेघ होगा, ठीक है। दूसरा होगा अस्तरी मेघ,
तीसरा हो गया आपका कपासी मिल, और चौथा आपका होगा वर्षा। अब अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने जो बादलों का क्लासिफिकेशन किया है, इन दोनों को आधार बना करके वर्गीकरण किया है। अब क्या वर्गीकरण किया है, जैसे ये बादल जो है ये क्या है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर है ये बादलों का क्लासिफिकेशन किया गया। इन्हीं बादलों में ये बादल मिलते हैं, तो बादल जब होता है तो वो मिक्स होता है, बादल कहीं इंडिविजुअल इसका डिस्टर्बेंस नहीं हो पाता है। नहीं हो पाता का मतलब ये है कि कुछ बादलों का मिश्रण कहीं कहीं पे संक्रमित पाए जाते हैं, यानी कि कुछ बादल मिक्स हो जाएंगे, यानी मिक्स हो जाएंगे, जैसे कि आने का मतलब है अस्तरी कपासी मिल सकते हैं, पच्छाद अस्तरीय मिल सकते हैं, मिक्स हो जाएंगे ना। तो इस आधार पर कुल 10 तरह के बादलों का क्लासिफिकेशन किया गया है। समझ गए होंगे आप लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। आइए उसके बारे में देखते हैं होता क्या है। ऊंचाई पर देखेंगे तो इसको पहले आप करेंगे उच्च मिल, उच्च मिल के अंतर्गत कौन कौन से मिल है, तो जान लीजिए कि ये यही जो क्लासिफिकेशन 4 है यही मैं यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ, 4। और इन चारों में ये जो मेघ है आपके यहाँ दिख रहे हैं, 4 प्रकार के मेघ, ये मिक्स होंगे और मिक्स होकर के कुल 10 तरह के बादलों का निर्माण करेंगे। तो पहला है आपका उच्च मिल, ऊंचाई आप जानते ही है लगभग 6 से 12 किलोमीटर है, इसमें आपके कौन कौन से मेघ मिलेंगे इसके क्लासिफिकेशन को आप देखिए। तो पहला आपका मिलेगा इसमें पच्छाद मेघ, इसका पहला होगा। इसका दूसरा मेघ होगा आपका पच्छाद के साथ लगा हुआ अस्तरी, पच्छाद अस्तरी मेघ। तीसरा आपका होगा पच्छाद कपासी मेघ, कपासी मेघ। ये 3 तरह के मेघ आपको मिलेंगे उच्च वाले क्लासिफिकेशन, ठीक है। और दूसरा आपका होगा क्या है, ये मध्य है, मध्य मेघ में भी क्लासिफिकेशन इसका 2 तरह का होगा, इसमें 2 तरह के मेघ मिलेंगे आपको। एक तो आपका क्या होगा, यही जो आपके अस्तरीय है और कपासी मेघ है ये मध्य के साथ लग करके मिलेंगे, तो चौथा ऊपर से सीक्वेंस में हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं बेटा, यहाँ पे 6 से 12 किलोमीटर वाला ये हिस्सा है, ये आपका क्या है 2 से 6 किलोमीटर वाला हिस्सा है मध्य मेघ में। तो इसमें आपका आएगा क्या चौथे में, चौथे में आपका आ जाएगा अस्तरीय, अस्तरीय मध्य मेघ, ठीक है। और इसका जो पांचवा आपका बनेगा ये कपासी, कपासी मध्य में, ठीक है, कपासी मध्य में। अब इसके बाद बेटा बनेगा क्या आपका निम्न मेघ आएगा, तो निम्न मेघ तीसरे नंबर पे आपका होगा निम्न मेघ। अब निम्न मेघ को जब देखेंगे तो इसकी ऊंचाई का धरातल से लगभग कितना है आपको बता दें, धरातल से 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक, ठीक है। इसमें आपका अब कहां से उठाएंगे इसको, कैसे याद करेंगे, ये आप थोड़ा कैसे ध्यान रखेंगे, अभी मैं आपको इसको और इजी बना दूंगा, आप इसको पहले देखिएगा, जो बता रहा हूं उसको सीरियसली ध्यान से सुने, अभी आपको याद हो जाएगा। यहां पर आपका अस्तरीय उठेगा और यहां पर अस्तरीय और कपासी का मिक्सअप होगा, यानी कि इसका भी क्लासिफिकेशन आपका 3 आधार होगा, मतलब इसमें मध्य मेघ में भी 3 बादल बनेंगे, ठीक है। अब इसमें बनेगा क्या, यानी छठे नंबर का जो बादल आपका बनेगा वो अस्तरीय डैश कपासी मेघ होगा, ठीक। सातवां मेघ जो बनेगा आपका वह अस्तरीय मेघ होगा, अस्तरीय मेघ होगा, अस्तरीय मेघ। और आठवां जो आपका होगा इसमें वह आपका कपासी मेघ के नाम से जाना जाएगा, मतलब अस्तरीय में आप सॉरी वर्षा मेघ के नाम से जाना जाएगा, वर्षा मेघ, वर्षा मेघ, ठीक है। ये तो आपके 8 मेघों के बारे में हो गया। और जो आपका चौथा है यहाँ पे ऊर्ध्वाधर के आधार पर, तो चौथा है ऊर्ध्वाधर के आधार पर अस्तरीय में हो जाएगा, अरे यहाँ पे सॉरी ये बार आपका होगा यहाँ पे अस्तरीय वर्षा मेघ होगा, ठीक है, अस्तरीय मेघ होगा और ये अस्तरीय वर्षा मेघ होगा, अस्तरीय
वर्षा मेघ। ठीक है, अब यहां पर आपका ऊर्ध्वाधर के आधार पर जब करेंगे तो इसको दो भागों में आपने बांट दिया है, या नौवा होगा, नौवा आपका जो नवंबर का होगा वो कपासी मेघ होगा। ठीक है, और दसवें नंबर का जो आपका मेघ होगा वो आपका कपासी वर्षा मेघ के नाम से जाना जाएगा। दसवां नंबर का जो आपका मेघ होगा वो कपासी वर्षा मेघ के नाम से जाना जाएगा। कपासी वर्षा। ठीक है, तो ये बात थोड़ी सी आप इसको ध्यान दीजिए कि किसने तरह के मेघों के बारे में हम लोगों ने देखा, और इसका क्लासिफिकेशन का जो आधार हम लोगों का है वो इसी रूप में है। और ये ऊंचाई आप देखेंगे, देखिए एक बार इसको थोड़ा सा देख लें, धरातल से लेकर के 18 किलोमीटर, चूंकि देखिए क्षोभ मंडल की जितनी ऊंचाई होगी उतने ही ऊंचाई तक ये बादलों का मिश्रण पाया जाएगा क्षोभ सीमा तक। ठीक है, यही 10 प्रकार के बादलों का विवरण दिया गया है कहां पर, WMO के द्वारा। ठीक है, विश्व स्तर पर जो प्रमाणित बादल है वो ये 10 प्रकार के बादल है। इनका क्लासिफिकेशन ऊंचाई के आधार पर आपका 4 प्रकारों से यहाँ पे मैंने विवरण आपको बताया, स्वरूप के आधार पर 4 प्रकार के बादल बताया, और स्वरूप का और ऊंचाई को मिक्सअप करके जब हम देखते हैं तो कुल 10 तरह के बादलों का निर्माण होता है। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुन लें। होता क्या है, उच्च मेघ में 3 तरह के मेघ पाए जाते हैं। इसमें जो सबसे ऊंचाई पर पाया जाने वाला जो मेघ होता है वह मेघ हमारा कौन सा मेघ कहलाता है, पच्छाव मेघ कहलाता है। तो उच्च मेघ में 3 तरह के मेघ आते हैं, पच्छाव मेघ आता है, पच्छाव स्तरीय मेघ आता है, पच्छाव कपासी मेघ आता है। ये 3 तरह के जो मेघ हैं हमारे वो किसमें हमारे आते हैं, किसकी श्रेणी में, ये उच्च में हमारे आते हैं 3 में। फिर इसके बाद में मध्य में हमारे 2 मेघ आते हैं, कौन कौन से, स्तरीय मध्य में और कपासी मध्य में, ये हमारे मेघ जो है 2 मेघ आते हैं। तो 5 मेघों का क्लासिफिकेशन उच्च और मध्य के अंतर्गत हो जाता है, बाकी का 5 का निम्न के अंतर्गत हो जाए, निम्न और ऊर्ध्वाधर के अंतर्गत हो जाएगा। तो निम्न में जब हम देखते हैं बेटा तो स्तरीय और कपासी मेघ होता है पहला, दूसरा स्तरीय मेघ होता है, मतलब इसका इसका इस भाग का दूसरा मीन्स यहाँ पे 6 नंबर का और 7 नंबर का स्तरीय मेघ होगा, 8 नंबर पे स्तरीय वर्षा मेघ होगा, और फिर ऊर्ध्वाधर क्लासिफिकेशन जब देखेंगे तो कपासी मेघ और कपासी वर्षा मेघ के नाम से जाना जाएगा। तो इस तरह से धरातल से ऊंचाई के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10 तरह के मेघों के बारे में बताया गया है। ये जो मेघ होते हैं आपके, इनकी अपनी गुणवत्ता के आधार, अपनी गुणवत्ता के आधार पर कुछ विशेष गुण होते हैं इसमें। हम लोग इस क्रम में आज पहले इस बादलों को हम लोग देखेंगे, फिर आगे के क्रम में हम लोग जब और डिटेल्स की करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग कौन से बादलों में किस तरह की संरचना होती है, थोड़ी झंझा वगैरह क्या है। ये अभी उन बच्चों के लिए ये इतना उपयोगी है कि जो बादलों के क्लासिफिकेशन को देखते हैं कि सबसे उच्च बादल कौन होंगे, निम्न कैटेगरी के बादल कौन होंगे, ये आप उसको देखें। इसका मीन्स के दृष्टिकोण में, भारतीय जलवायु के दृष्टिकोण में मौसम वैज्ञानिक जो भविष्यवाणी करते हैं कि कौन से बादल दिखते हैं तो फिर क्या चक्रवात की स्थिति है, क्या वर्षा वाले मेघ हैं कि नहीं है, ये उसका क्लासिफिकेशन सारे डिटेल हम लोग और आगे के क्रम में जब हम लोग चलते जाएंगे मेंस के और भी चीजें करेंगे तो हम इसकी और भी विशेष डिटेल करके देखने की कोशिश करेंगे। बहरहाल अभी के क्रम में ही आपको 10 बादल अच्छी तरीके से तैयार हो जाने चाहिए, जिसका आधार, जिस आधार पे आप देखेंगे वो आधार आपका, ये क्लासिफिकेशन का आधार आपको पता होना चाहिए तो आपको काफी सहजता होगी इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। आगे देखेंगे कि इसमें आपको ये भी होगा, इससे अगला इसका टॉपिक जो वर्षा का टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं, वर्षा वाले टॉपिक में भी आप देखेंगे कि आखिर ये कितनी ऊंचाई तक है और फिर वर्षा हो रही है तो किन, मतलब पर्वतीय वर्षा किस कारण से होती है, संवहनीय वर्षा किन बादलों के कारण से होती है, और चक्रवातीय वर्षा किन बादलों के कारण से होती है। आगे का जब मैं बादल वर्षा मैं पढ़ाऊंगा आपको तो वहां पर इन बादलों की आपको जरूरत पड़ेगी। जैसे पर्वतीय देखेंगे तो पर्वतों की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है धरातल से, अब आप सोच लीजिए विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो आपका हिमालय पर्वत है, 8,848.50 किलोमीटर की ऊंचाई तक का पर्वत है, यानी कि लगभग करीब में 9 किलोमीटर से नीचे का है, तो वहां पर कौन से बादल अपना वर्षा करा सकते हैं, किस
हद तक वो हो सकता है। और वह जो प्लेस है वो धरातल के कौन से वाले हिस्से में है, भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में है या ध्रुवीय वाले क्षेत्र में है, इसका भी मायने रखेगा, क्योंकि बादल जो है ना वो आपका भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ ऊंचाई घट जाती है ना, जो सीमा की, तो उसके आधार पर भी इसको देखेंगे। तो इसमें समझने वाला टॉपिक है आप लोगों के लिए, एक थोड़ा सा टॉपिक इस तरह से दे रहा हूँ कि आप लोग उसको याद करें, और सारे बादलों को आपको जबान पे होने चाहिए सारे बादल, जैसे सीखने से मैं आपको बता दे रहा हूँ, पच्छा मेघ है, पच्छा अस्तरीय मेघ है, फिर उसके बाद पच्छा कपासी मेघ है, फिर उसके बाद में अस्तरीय मध्य मेघ है, कपासी मध्य मेघ है, उसके बाद अस्तरीय कपासी मेघ है, फिर आपका अस्तरीय मेघ है, अस्तरीय वर्षा मेघ है, कपासी मेघ है, कपासी वर्षा मेघ है, ये दसों नाम आपको जबान पे होने चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही, आगे टॉपिक हम लोग वर्षा पढ़ेंगे, थैंक यू। और ग्लोब में इसका क्या विस्तार है, किन क्षेत्रों में किस तरह की वर्षा आपको देखने को मिलेगी, इसके बारे में भी हम लोग काफी कुछ वर्षा के बारे में देखेंगे। आइए चर्चा करते हैं हम वर्षा के बारे में। तो वर्षा क्या होती है, वर्षा क्यों होती है, एक पहला बेसिक कारक होता है। तो वर्षा इसलिए होती है क्योंकि जो वायु में आर्द्रता होती है यानी जलवाष्प की मात्रा होती है, जब ऐसी कोई सिचुएशन बनती है कि उसका संघनन होने लगता है, यानी कि वायु संतृप्त हो जाती है, लास्ट वीडियो में आपने देखा था आर्द्रता वाले वीडियो में, तो उसमें ह्यूमिडिटी के वीडियो में जिसमें आपने देखा था कि जब संघनन होने लगेगा तो वर्षा होने लगेगी, ज्यादा मात्रा हो जाएगी जल की, बूंदों की या जलवाष्प की मात्रा एक्सेस हो जाएगी तो पानी बरसेगा, तो वर्षा उस कारक से होती है। लेकिन क्या सिर्फ यही एक कारक है वर्षा होने के, या कुछ और भी कारक है? तो आप देखेंगे वर्षा होने के बहुत सारे कारक हैं। एक तो देखिए अक्षांशीय विस्तार है, जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ आप जाएंगे, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध में चाहे वो दक्षिणी गोलार्ध में, तो वर्षा का रेशियो आपका कम होता चला जाएगा। जैसे ही ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे वर्षा की मात्रा बढ़ती जाएगी। देखिए पुराने वीडियो जो आपने देखा है उससे थोड़ा कॉन्सेप्ट लीजिए कि जिन क्षेत्रों में पूर्वा हवाएं चलती हैं, जिन क्षेत्रों में पछुआ हवाएं चलती हैं, खासतौर से यही तक की स्थिति, क्योंकि उसके बाद का ध्रुवीय जो क्षेत्र हमारा है 60 से 65 डिग्री के बाद वाला हिस्सा, वो बर्फीला क्षेत्र लगभग है और निर्जन भी है, तो वहाँ की वर्षा का कोई विशेष मतलब होता नहीं है, वहाँ पे हिमपात वगैरह होती है बड़े पैमाने पर, तो इस नाते वो उतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए है नहीं। हमारे लिए पछुआ पवने और व्यापारिक पवनों की पेटियों का विशेष रोल होगा वर्षा में। इसमें संवहनीय वर्षा किन क्षेत्रों में होगी, चक्रवातीय वर्षा किन क्षेत्रों में होगी, ये आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे। तो ये जो आपने कलम देखा था लास्ट वीडियोस में हवाओं के संदर्भ में, उसका रिलेशन वर्षा से भी आज होगा, वो आपको बताएगा, वो कॉन्सेप्ट आपको आज ये सहयोग करेगा यहाँ पर कि महाद्वीप के किस हिस्से में, पूर्वी हिस्से में किन अक्षांशों के मध्य वर्षा होती है और महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में किस अक्षांशों पर वर्षा होती है, रेगिस्तान क्यों पाए जाते हैं महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के पश्चिमी हिस्से में रेगिस्तान क्यों पाए जाते हैं, और शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के पूर्वी हिस्से में रेगिस्तान क्यों पाए जाते हैं, हालांकि उधर शीत रेगिस्तान होता है, ऐसा क्यों होता है, आज ये सब चीजें आपको स्पष्ट होंगी अगर आप पिछले वीडियोज को देखे हैं तो संभवतः बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो मैंने बताया अक्षांशीय आधार पर एक अक्षांश भी एक कारक है, जैसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इसमें यही है कि वर्षा होती क्यों है, वर्षा होने के कारक क्या है, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो सबसे पहला फैक्ट आपका होगा अक्षांशीय आधार, ठीक है। दूसरा वायु में जलवाष्प की मात्रा के आधार पर, भाई वायु में जलवाष्प होगा तभी तो बरसेगा, तो दूसरा कारक आप इसको भी ले सकते हैं। और देन उस प्लेस की जहां वर्षा हो रही है कम या ज्यादा, वह समुद्र से कितनी दूरी पर है, देन जहां ये हवाएं जा रही हैं उन क्षेत्रों में क्या पर्वतीय क्षेत्र है क्या, तो पर्वतों का विस्तार, जैसे आप देखेंगे राखी पर्वत, एंडीज पर्वत, हिमालय पर्वत, ये जो बड़े बड़े पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये भी वर्षा में काफी रोल इनका होता है, कैसे रोल होता है वो अभी आगे हम लोग देखेंगे। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट आप देखते हैं तो पश्चिमी घाट जो है वो भी एक पर्वत श्रेणी ही है, ठीक है,
कटी पिटी पर्वत श्रेणी के रूप में ही, यानी कि नीचे श्रेणी की पर्वत श्रेणी है, तो वहां पर भी आप देखते हैं भारतीय मानसून के संदर्भ में आप देखेंगे तो खूब ज्यादा वर्षा होती है पश्चिमी घाट पे, ठीक है, तो वो देखेंगे। तो देखते हैं, तो ये कुछ कारक थे आपके। उसके बाद में जलाशयों की अधिकता किन क्षेत्रों में है, और वनस्पतीय क्षेत्र है कि नहीं है, रेगिस्तानी क्षेत्र है कि वनस्पति क्षेत्र है, ये तमाम सारे देसी कारक हैं जो कि आपको मैंने यहाँ लिखा है अच्छा से, जो कि मैंने आपको बताया, ये आप देख लीजिए। इस पे क्या है कि ये मूल कारक है वर्षा को करने का। अब इस आधार पर अगर देखा जाए तो विश्व में वर्षा कितनी तरह की होती है, तो तीन प्रकार से मूल रूप से वर्षा होती है। एक तो जो आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यानी कि 30 से 35 डिग्री उत्तर, मतलब 0 से 30 डिग्री उत्तर का हिस्सा, और 0 से मतलब विषुवत रेखा से, 0 मीन्स 0 डिग्री अक्षांश, 0 से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, तो लंबवत पड़ने के कारण से समुद्री क्षेत्र की हवाएं जो वाष्पीकरण है ये सबसे ज्यादा होता है, तो वाष्पीकरण ज्यादा होने के कारण से इन क्षेत्रों में जो वर्षा होती है वह संवहनीय वर्षा होगी। देन आपका 35 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक का जो हिस्सा पड़ता है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में, यहां पर मोस्टली आपको चक्रवातीय वर्षा देखने को मिलेगी, और इन दोनों क्षेत्रों में जहां पर आपके पर्वत श्रृंखलाएं मिलेंगी वहां पर्वतीय वर्षा होगी। तो कुल विश्व में तीन प्रकार की मूल रूप से वर्षा होती है, इसके अलावा कुछ मतलब ये मूल है आपके, तीन प्रकार ही वर्षा के मूल हैं, इसके अलावा क्षेत्रीय अक्षांशीय स्तर पर लोकल चीजों का भी, लोकल लोकल फैक्ट्स का भी मायने प्रभाव पड़ता है वर्षा पे, लेकिन मूल रूप से अंतरराष्ट्रीय स्तर पे देखेंगे विश्व स्तर पे तो तीन तरह की वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में संवहनीय वर्षा आपको मिलेगी, और देन इसके बाद के हिस्से में आपका जो पछुआ पवनों का जो क्षेत्र बनता है वहां पर आपको चक्रवातीय वर्षा का मिलेगी आपको। भारत के आप इसमें देख रहे हैं जो चक्रवातों से ही वर्षा हो रही है, हालांकि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो इसका अतिक्रमण क्यों हो जाता है, इस बेल्ट का विस्तार क्यों कैसे हो जाता है, और उसमें आईटीसी जेट का क्षेत्र क्या रोल है, तो कई सारे कारक बनेंगे। तो एक मूल में बता रहा हूँ आपको कि पछुआ पवनों की पेटियों में अक्सर जो वर्षा होती है वो चक्रवातीय वर्षा होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर आपने हवाओं के बारे में पढ़ा है, तो गर्म हवा और ठंडी हवा, और आपने आर्द्रता वाले टॉपिक में जब पढ़ा है बेटा, तो उसमें आप लोगों ने जिक्र किया है, किया गया है, आपने पढ़ा है उसमें कि जब आर्द्रता आर्द्रता पे ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि आर्द्रता मतलब उसकी ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाए तो पानी बरस जाएगा, तो ये आर्द्रता का फैक्ट भी इसमें आएगा। ठंडी और गर्म हवाएं मिलेंगी आपको, कुछ अक्षांश ऐसे होते हैं जहां पर क्या होता है, हाई प्रेशर का क्षेत्र कौन सा है, लो प्रेशर का क्षेत्र कौन सा है, तो हाई प्रेशर वाले क्षेत्र में क्या होता है, हवाएं बैठती हैं, जैसे 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बारे में अगर आप इमेजिनेशन करेंगे पुराने अपने तथ्यों को पढ़े आधार पे, तो क्या होता है विषुवत रेखा से जो हवाएं जेट स्ट्रीम का रूप ले करके पूर्वा जेट के जेट के रूप में या उष्णकटिबंधीय जेट के रूप में ट्रॉपिकल जेट के रूप में जब जाती है तो कहाँ बैठती है, 30 से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य बैठती है। वहीं पर अगर आप देखिए कि जो पछुआ हवाएं हैं, यानी पछुआ जो जेट है आपकी, वो कहाँ पे बैठती है, यानी कि शीतोष्णकटिबंधीय जो आपका जेट हवाएं हैं वह भी तो 30-35 डिग्री अक्षांश में बैठती है। दोनों हवाओं का अक्षांश बैठता है, जो बच्चे पढ़े हैं, जो नहीं पढ़े बेटा वो जाके वीडियो देख लीजिएगा कि किसमें हवाएं कहाँ बैठती हैं, हेडली सेल का कहाँ तक विस्तार है आपका, और फेरल सेल का क्या, तो हेडली सेल और फेरल सेल का जो संक्रमण क्षेत्र है 30 से 35 वाला ही तो है, तो उस वाले क्षेत्र में क्या होता है, इधर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से गर्म हवाएं जाएंगी और शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र से ठंडी हवाएं आएंगी, तो ठंडी गर्म हवाओं का मिश्रण होगा, तो इस नाते शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों का जन्म उन्हीं क्षेत्रों में होगा। और हम लोग जिस क्षेत्र में हैं अभी, अभी जो हम लोग का यास जो आपका चक्रवात आया हुआ है, इसके पहले तायते जो चक्रवात आपका था, इन दोनों का आपने देखा कि ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात थे, तो इसका भी आपका रोल मिलेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कुछ वर्षा के प्रकार के बारे में। तो तीन तरह की वर्षा आप लोगों को देख रहा है, संवहनीय वर्षा है, चक्रवातीय वर्षा और पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा में ही को एक तरह से कहिए मानसून वर्षा भी कहते हैं। भारत में आप देखेंगे तो मानसूनी वर्षा होती है,
तो उसको मानसूनी वर्षा कहते हैं, ठीक है। और लोकल स्तर पे देखेंगे तो पर्वतीय वर्षा के बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, जैसे अरावली पर्वत श्रेणी का देखेंगे तो पश्चिमी हिस्सा जो है वो संपन्नता की तरफ, पूर्वी हिस्सा रहेगा वो वहाँ पे आपको संपन्नता मिलेगी और पश्चिमी हिस्से में नहीं उसकी संपन्नता मिलती है, तो क्यों है। या आप देखेंगे कि पश्चिमी घाट को देखें, सबसे अच्छा उदाहरण आपने पश्चिमी घाट का जो पूर्वी हिस्सा है, पश्चिमी हिस्सा है, वहाँ पर खूब ज़्यादा वर्षा होती है, लेकिन वहीं पर ही पश्चिमी घाट के का जो पूर्वी हिस्सा पड़ता है वो पृष्ठ छाया प्रदेश पड़ने के कारण से वहाँ वर्षा बहुत कम होती है। जैसे आप देखेंगे मुंबई में खूब वर्षा होती है, पुणे में आपका वर्षा बहुत कम होती है, लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर वर्षा ही हो पाती है पुणे में। वहीं पर आप देखेंगे कि मुंबई वाले हिस्से में आपको 200 से प्लस सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो ये सब बहुत सारे लोकल कारक भी हैं जो कि आपको प्रभावित करते हैं वर्षा। तो संवहनीय वर्षा जिसको कन्वेक्शन रेन कहते हैं इसमें, और चक्रवाती को वर्षा को साइक्लोन रेनफॉल कहते हैं, और पर्वतीय वर्षा को ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं, ठीक है। ये हमारे तीन तरह के, अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल कर लेते हैं। संवहनीय वर्षा मैंने बताया कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ITCZ का क्षेत्र जहाँ बनता है, यानी सूर्य की किरणें जहाँ सीधी पड़ती हैं, खूब ज़्यादा अंत अभिसरण क्षेत्र बनता है, मेघला जो बनती है उसमें क्या होता है, जलवाष्प गर्म होकर के ऊपर उड़ जाती है और उसका बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाने के कारण से उसका संघनन होने लगता है, तो फिर ये वर्षा हो जाती है। ऐसी वर्षा जो होती है वो क्या होती है, हमारी संवहनीय वर्षा होती है। अब संवहनीय वर्षा किस क्षेत्र में होती है, पूर्वा पवनों के प्रभाव वाले क्षेत्र में होती है। कोई दिक्कत, पूर्वा पवनों के क्षेत्र में होती है। तो पूर्वा पवनों के जब क्षेत्र में होगी तो ये इसका अगर विस्तार पूछा जाए तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे आप। इससे महाद्वीप के संवहनीय वर्षा से आप देखेंगे तो महाद्वीप के किस वाले हिस्से में ज्यादा वर्षा होती है, तो महाद्वीप के पूर्वी हिस्से जो 30 डिग्री तक अक्षांश तक का हिस्सा है, ये पूर्वी वाले हिस्से में पड़ेंगे तो वहां ज्यादा वर्षा होगी, महाद्वीप के मोस्टली पूर्वी वाले हिस्से में। ये अलग बात है कि भारत के संदर्भ में देखेंगे तो आपको जो दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर जेट स्ट्रीम वाला इफेक्ट है जो मैंने लास्ट वीडियो पढ़ाया था, आप देख लीजिएगा उसमें, तो वहां पर दूसरा एक कारक वर्क करता है। बहरहाल कि ये महाद्वीप के पूर्वी हिस्से में वर्षा होगी, और चक्रवाती वर्षा जो होती है जो पछुआ पवनों वाले क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो महाद्वीप के पश्चिमी तटों पर, महाद्वीप के पश्चिमी तटों पर वर्षा आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये आपका इस तरह का क्षेत्र बनेगा जो कि साइक्लोनिक वर्षा आपको कराएगा। और पर्वतीय वर्षा क्या होती है कि जब जलवाष्प मतलब जो है जब एक बड़ी जलराशि किसी तरफ से किसी दूसरी तरफ की ओर जा रही होती है, अब किसी तरफ का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ठीक है। जहां पर लो प्रेशर होगा हवा उधर को विचलन करेगी, तो लो प्रेशर की तरफ जाते समय अगर रास्ते में पर्वत आ गया तो वो उसको ढाल का अनुसरण करते हुए ऊपर चढ़ने लगती है, तो ऊपर चढ़ने पर वो उसके जो जलवाष्प की मात्रा होती है उसके वो संघनित होने लगती है, फिर वर्षा होने लगती है। तो इस तरह से आपका जो है मानसूनी वर्षा या पर्वतीय वर्षा का आधार मिलता है। ये किन क्षेत्रों में होता है यह भी आप देखेंगे, उन्हीं क्षेत्रों में आपका मिलेगा देखने को कि पर्वतीय पर्वतों का तो कोई आधार नहीं है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। पर्वतीय वर्षा आपका पछुआ पवनों के क्षेत्र में भी हो सकता है और आपका भूमध्यरेखीय क्षेत्र में तो आपका खैर संवहनीय वर्षा ही आपको मिलेगी, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में अक्सर आपको देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के जो है, जैसे मान लो भारत के संदर्भ में आप लेंगे तो वहाँ पर आपको वर्षा देखने को मिलेगी। तो इस तरह से आप देखेंगे वर्षा का एक क्लासिफिकेशन है, ये तीन तरह की वर्षा आपको मिलती है वर्षा के कारकों के संदर्भ में आपने देखा। इसके अलावा देखिए तड़ित झंझा है जिसे थंडर स्टॉर्म के नाम से जानते हैं, ये क्या होता है और इसमें इसी टॉपिक में ही अगर हम देखें तो चक्रवातीय वर्षा के बारे में देखते हैं कि चक्रवात और प्रति चक्रवात वो एक अलग टॉपिक होगा जिसमें वातावरण और चक्रवात वगैरह हम लोग देखेंगे, उसमें उसकी डिटेल करेंगे। यहाँ पर बस इतना जान लीजिए कि जो चक्रवात होता है वो भी क्या होता है कि जहाँ पर निम्न वाय दाब का क्षेत्र बन जाता है उस वाले क्षेत्र में अक्सर आपको निम्न वाय दाब का क्षेत्र बनेगा। तो चूंकि अभी देखिए जैसे मान लो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, इसमें सूर्य की स्थिति कहाँ पे है, बच्चों ये कर्क रेखा के करीब में है ना सूरज, है ना, हमारा आपका मई का लास्ट चल रहा है ये, है ना। तो जून के महीने में आप देखेंगे तो जितने ही अग्रसर हो रहे हैं, यानी कि अब ये क्या हो रहा है कि स्थल उत्तर का स्थल त्रिगोलार्ध का जो स्थल ये भाग्य कर्क रेखा के आसपास का वो धीरे धीरे हीट होना शुरू हो गया है।
तो यहाँ पर ठंडी और गर्म जल राशि जो है इधर से उधर विचलन कर रही है, तो वहां पे जहाँ पे निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन रहा है वहां से साइक्लोन का निर्माण हो रहा है, चक्रवात इस नाते आ रहे हैं, चक्रवात इसी मौसम में आपको आएंगे और इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, और शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में तो दूसरे आधार पर आपको वहां पे है। ठीक है, तो यहाँ पर यह हो जाएगा। तो चक्रवातों के बारे में आप लोग देखेंगे, वो अलग टॉपिक पे हम लोग देखेंगे, चक्रवात क्या है, प्रति चक्रवात क्या है, वाताग्र क्या है, ये भी हम लोग उसमें देखेंगे। इसमें आप आगे का है तरंगझंझा, चक्रवातों में क्या होता है कि देखिए थोड़ा सा ये जान लीजिए, चक्रवातों में क्या होता है कि वायु राशि जहां पे चक्रवात का केंद्र बनता है वहां को हवा आती है, यानी कि सेंटर में हवा आ रही होती है, चक्रवात के सेंटर में हवा आ रही होती है, कहीं पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा, उस निम्न वायुदाब को भरने के लिए हवाएं आपको राउंड करते हुए उत्तरी गोलार्ध में आपका, जैसे आपने देखा है हवाओं की दिशा जो होती है क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज वाले, ये तो टॉपिक आगे देखेंगे, तो वो क्लॉक वाइज चलेगी, कहाँ पे एंटी क्लॉक वाइज चलेगी, तो ये इस तरह से, यानी कि मतलब वहां पर केंद्र की तरफ हवाएं आती है, किसमें, चक्रवात। ठीक है, और प्रति चक्रवात में क्या होती है, केंद्र से बाहर की तरफ हवाएं जाती है। बहरहाल ये आने और जाने की बात हो रही है यहाँ चक्रवात में, लेकिन हमें देखना है तड़झंझा। तड़झंझा क्या होता है, तड़झंझा में क्या होता है, चक्रवात का अपोजिट होता है, जो हमारी वायु है, ठीक है, वहां की वायु नीचे से ऊपर को उठती है, ऊर्ध्वाधर उठती है हवा। ठीक है, तो इस नाते तड़के झंझा और चक्रवात दोनों अलग चीजें हैं, मतलब जो आपका चक्रवात है वो एक अलग चीज है, तड़के झंझा अलग चीज है, क्यों अलग चीज है, दोनों में आपको डिफरेंस मैंने बताया, चक्रवात में इंटरनल हवा आती है और यहाँ पर क्या होता है, ऊर्ध्वाधर हवा का उठाव होता है। ठीक है, और तड़ झंझा में क्या होता है, खूब तेज गर्जन तड़कन के साथ में वर्षा होती है ना, यहाँ पर हवा नीचे से ऊपर की तरफ अभिसरण होता है, तो खूब ज्यादा वर्षा होती है, ये तड़ झंझा के बारे में इसमें था। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो कि आपको वर्षा से रिलेटेड थे, जो कि आपको इतना ही आपके लिए पर्याप्त है, इतना ही अगर आप जानेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि अच्छा इसी आधार पर किन पे कहाँ पे वर्षा का कौन सी वर्षा प्राप्त होती है, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कौन सी वर्षा मिल रही है ना, तो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कौन सी वर्षा मिल रही है, बाकी ध्रुवीय क्षेत्र में तो हिमपात होता है ना, वर्षा का तो कोई विशेष रोल नहीं है वहाँ पे, पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि हवाएं जब जाती हैं रास्ते में अगर कोई पर्वत मिल जाता है तो ढाव का अनुसरण करते हुए ऊपर की तरफ चढ़ने लगती है, तो खूब ज्यादा वर्षा पड़ती है, यानी कि जहां पर भी हवाएं अगर जा रही हैं तो जो फ्रंट का हिस्सा होगा, हवा देखिए हर चाहे वो पूर्वा हो या पछुआ हो, अगर वो नमी मॉइस्चर लिए हुए है जलवाष्प, तो जब भी वो कहीं को गमन कर रही होगी, रास्ते में अगर पर्वत मिलेगा तो पर्वत का वह सामने वाला हिस्सा सदैव जल संपन्न क्षेत्र रहेगा, और उसके अपोजिट वाला हिस्सा हमेशा विपन्नता की स्थिति में रहेगा, यानी पानी वहां कम से कम बरसेगा। तो ये पर्वत के बारे में, पर्वतीय वर्षा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, और ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे, आज इसको आप लोग जाकर भी अच्छे से इसको देखिएगा, और इसको समझने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताने की कोशिश की है इसमें, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। चैनल्स आप लोग देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, आप लोगों को वीडियो अगर अच्छे लग रहे हो तो उसको लाइक भी करिए, अपने दोस्तों को बताइए भी, है ना, और वीडियोस को एक दो बार इसको देखिए। ये यदि आप अगर चाहते हैं कि यूपीएससी हम क्रैक करें तो आपको कॉन्सेप्ट की समझ होनी चाहिए बच्चों, और कॉन्सेप्ट जब तक आप किसी चीज का नहीं समझेंगे तब तक आप मेंस की राइटिंग नहीं कर सकते। तो इस नाते आप कॉन्सेप्ट, मैं इस पर प्रयास ये कर रहा हूँ कि तथ्य थोड़े थोड़े दिए जाएं, लेकिन कॉन्सेप्ट में बच्चों की पकड़ अच्छी हो, ये अगर आपने कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया तो किस क्षेत्र में क्यों वर्षा हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, ये आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तमाम सारे वीडियोज मैंने जो बनाए हैं पिछले, उसमें मैंने बताया है कि महाद्वीप का पश्चिमी हिस्सा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का हमेशा रेगिस्तान ही होता है, उस क्षेत्र में रेगिस्तान ही मिलेगा, चाहे आप सहारा का रेगिस्तान ले लीजिए, चाहे थार का रेगिस्तान ले लीजिए, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के आपके हिस्से हैं, और हमेशा इसका देखिएगा आप इसमें तो पश्चिमी हिस्से में रेगिस्तान ही आपको मिलता है, क्यों, क्योंकि वो वर्षा का क्या होगा, पछुआ हवाओं के क्षेत्र में ना होकर के पूर्वा हवाओं के क्षेत्र में है, तो पछुआ हवाओं के क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो वहां पर सेम अपोजिट स्थिति मिलेगी, वहां पर महाद्वीप का जो है पश्चिमी हिस्सा वर्षा संपन्न होगा और पूर्वी हिस्सा वर्षा संपन्न नहीं होगा। ये तमाम सारे जो तथ्य हैं ये आपके दिमाग में होने चाहिए, तभी आप मेंस राइटिंग अच्छे से कर पाएंगे।
आप लोग वीडियोस को बार बार देखिए, अगर आप लाइफ में सक्सेस अपने आप को प्राप्त करना चाहते हैं तो सीरियसली उस चीज को पढ़ें। सिर्फ एक तथ्य रख लेने से आपको सफलता आपसे कोसों दूर हो जाएगी। तो कृपया उसको करके अच्छे से पढ़ें और फिर ही जाकर के आप सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।